सबसे पहले अपना एयरटेल पेमेंट बैंक का आईडी अर्न कर लीजिए, उसके बाद एपीएस को क्लिक करें। एपीएस को क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है भाई, इधर कैश विड्रॉल को क्लिक कीजिए, उसके बाद एंटर कस्टमर नंबर, इसके बाद आधार नंबर, इसके बाद कितना अमाउंट चाहिए बताओ, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद प्रोसेस को क्लिक कीजिए और अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट कीजिए। अगर बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट हो जाए उसके बाद थन परमिशन को ग्रांट कीजिए और डिवाइस परमिशन दे दीजिए, इसके बाद अपना पिन नंबर दे दीजिए, इधर सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो गया है, मतलब आपका रुपया के अकाउंट से कट गया है। ठीक है, ऐसे अपना कैश विड्रॉल कर लीजिए। कैश विड्रॉल करने के बाद अगर फिर से बैलेंस चेक करना है तो बैलेंस चेक करने के लिए क्या करना है बताता हूँ। बैलेंस इंक्वायरी पर सेलेक्ट कीजिए, कस्टमर मोबाइल नंबर दे दीजिए, उसके बाद आधार नंबर दे दीजिए, इसके बाद कौन सा बैंक है सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद थम परमिशन को दे दीजिए। थम परमिशन देने के बाद सिलेक्ट कीजिए, बैलेंस सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, ऐसे काम करना चाहिए।